इस मॉड्यूल में हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर विच आर बोनीफिशेस, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स. तो बोनीफिशेस के अंदर हार्ट इज वेरी सिंपल, और इसके अंदर एक और बात भी है कि देयर इज ओनली सिंगल सर्किट हार्ट, कि ब्लड जो है वो हार्ट से मूव करता है, गिल्स में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजनेट होके बॉडी में आएगा, एंड देन अगेन इट कम्स बैक इनटू द हार्ट. और जैसे हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं, तो दिस इज द हार्ट, दिस इज द हार्ट, दिस इज द हार्ट, जिसके अंदर यह थ्री चेम्बर्स, साइनस विनोसिस है, एट्रियम है, वेंट्रिकल है, कोनस आर्टेरियोसिस है. तो इस तरह देर आर मेनली तो एट्रियम और वेंट्रिकल ही है, लेकिन ये देर इज ऑन द एक्सट्रीम्स ऑफ द हार्ट. तो ब्लड यहां से सिस्टमिक यानी बॉडी से डीऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है, और वो पहले साइनस विनोसिस में जाता है, फिर एट्रियम में, वेंट्रिकल कोनस आर्टेरियोसिस होता हुआ फिर गिल्स में जाएगा, वहां पे ये ऑक्सीजनेट होगा, और वहां पे ऑक्सीजनेट ब्लड होके देन इट कम्स बैक टू द डॉर्सल एओर्टा एंड इट इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये एक सिंगल सर्किट हार्ट है, यानी कि दिस ब्लड जो है वो इट कम्स ओनली वंस इन द हार्ट. ये वापस फिर सर्कुलेशन में, एक राउंडेड सर्कुलेशन में ही रहता है. तो डॉर्सल एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड टू ऑल पार्ट द बॉडी, एंड देन ब्लड रिटर्न्स द हार्ट वाया द वीनस सिस्टम. देन बिकॉज ब्लड ओनली पासेस टू द हार्ट वंस, इसलिए इस सिस्टम को सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं. फिर उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस के अंदर, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स. और इसके अंदर क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं ये एम्फी, बिकॉज दे हैव टू मोड ऑफ लाइफ, ये वाटर में भी रहते हैं और ये लैंड के ऊपर भी रहते हैं, इसलिए हम इसको एम्फीबियंस कहते हैं. और इसके साथ ही साथ इसकी सर्कुलेशन में भी फर्क आ गया, एवोल्यूशनरीली इसके अंदर ये चेंजेस आई हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंजेस आई हैं, और वो हमने देख लिया. सबसे पहले तो हार्ट के अंदर चेंज आई है, तो बिकॉज मोस्ट एम्फीबियंस दे एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द स्किन, क्योंकि इनके लंग्स तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी जो स्किन है वो भी एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. तो ब्लड सप्लाई टू द स्किन इज वेरी इनॉर्मस, और जिसकी वजह से इट इज द स्किन विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो इसी के साथ उसमें भी चेंजेस हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हैं. तो अगर हम तो ब्लड इज पंप्ड आउट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज दस हाईली ऑक्सीजनेटेड. जो हम इसके अंदर क्या है एम्फीबियन हार्ट में इन पर्टिकुलर, तो देर आर टू चेम्बर्स विच आर एट्रिया, ये बिल्कुल सेपरेट है, इसके अंदर बकायदा सेप्टम है, जबकि वेंट्रिकल्स के अंदर कोई सेप्टम नहीं है. और तो ब्लड ये जो बॉडी से आ रहा है विच इज डी ऑक्सीजनेटेड दैट कम्स इन द राइट एट्रियम, और यहां से फिर ये इसकी कंट्रैक्शन से इट कम्स इन द वेंट्रिकल, और यहां से फिर ये इसकी पंपिंग से इट विल मूव टू द कैपिलरीज, टू द लंग्स भी, और उसके बाद स्किन भी, और वहां से ऑक्सीजनेट ब्लड होके इट कम्स इन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल एरियम, लेफ्ट एट्रियम, एंड देन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. तो यहाँ पे हम कह सकते इट इज नॉट अ सिंगल सर्किट हार्ट, बट ये डबल सर्किट हार्ट बन गया. लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये वेंट्रिकल के अंदर के एक दरमियान में पार्टीशन नहीं है, और इसलिए थोड़ा सा ब्लड, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, ये थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेप्टम नहीं है, वहां पे एक और मैकेनिज्म है, बकायदा स्पाइरल है, जिसे जो कि थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर देता है इस कंप्लीट मिक्सिंग को. तो ये हार्ट के अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंज है एम्फीबियंस में. वेल इन रेप्टाइल्स जो के वेंट्रिकल जो है वो पार्टली डिवाइडेड है, एम्फीबियंस में हमने देखा दिस इज नो पार्टीशन बिटवीन द टू एट्रिया, जबकि रेप्टाइल्स के अंदर ये दिस पार्टली डिवाइडेड एक्सेप्ट
animals which are the alligators or the higher reptiles. तो oxygenated blood जो है और deoxygenated blood है वो इसमें भी इन reptiles के अंदर usually थोड़ी बहुत mixing इनकी है और इसे हम अगली diagram में इस को देख सकते हैं. Now this is in the reptiles. तो यहाँ पे खास बात यही है कि ये this is the main pump which is the heart. इसके अंदर atria बिल्कुल different है. Ventricles जो हैं ये partly divided है और यहाँ पे एक होल है बन जाता है ये एक फ्री मिक्सिंग ब्लड की हो सकती है. तो उसी तरह ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहाँ पे डीऑक्सीजन ब्लड है. इट मूव्स इनटू द राइट एट्रियम और यहाँ से फिर और यहाँ से ब्लड जा रहा है टुवर्ड्स द लंग्स. वहां पे उसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है एंड कम्स बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम और वहां से ब्लड फिर दैट मूव्स डाउन थ्रू दिस वेसल और उधर से यहाँ पे. तो इस रीजन में देयर इज ए कॉम्प्लिकेशन है वेसल्स की. लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट जरूर है कि दिस इज इनकम्प्लीटली पार्टीशनड नॉट कम्प्लीटली पार्टीशनड एक्सेप्ट एलिगेटर्स और हायर रेप्टाइल्स. तो यहां से होते हुए देन दिस अनदर रूट ऑफ ब्लड जो कि इस ब्लड के साथ मिलता है और वो फिर ब्लड कैपिलरीज या सिस्टेमिक जिसे सर्कुलेशन कहते हैं या बॉडी सर्कुलेशन कहते हैं. तो ये हार्ट डिफरेंट है एज कंपेयर टू द एम्फीबियंस. तो दीज आर द थ्री वर्टिब्रेट्स जिसके अंदर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर देखा. तो और इसकी थोड़ी बहुत इज सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड देन देयर इज अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो इसे जैसे बॉडी सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन कहते हैं उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट.